हेलो और वेलकम टू द कार्वर्सल कार अवार्ड, जिसमें मैं ओसास ओसास और आप 150 कार्वर्सल प्रोस गाड़ियों को चूज करेंगे, गाड़ियों को पॉइंट्स देंगे 10 डिफरेंट कैटेगरीज में, और उन 10 कैटेगरीज में जो उनसी गाड़ी पहले की 9 कैटेगरीज में सबसे ज्यादा अवार्ड लेके जाएगी वही गाड़ी बनेगी हमारी कार्वर्सल कार ऑफ द ईयर। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हमारे आज के अवार्ड फंक्शन से। तो आज के हमारे अवार्ड फंक्शन की पहली कैटेगरी है बेस्ट लुकिंग कार ऑफ 2021, मतलब 2021 में जो सारी गाड़ियां लॉन्च हुई है उनमें से बेस्ट लुकिंग कौन सी है। और जो हमारी इस वाली कैटेगरी की नॉमिनेशंस है, पहली है XUV700, दूसरी है स्कोडा कुशाक, तीसरी है स्कोडा स्लाविया और चौथी है टाटा सफारी। और ये जो सारी मैंने सिलेक्शन करी है, जो नॉमिनेशंस भरी है, ये मैंने खुद ही भरी है क्योंकि भाई मेरे पास भी ओसास होने का कुछ अधिकार है। तो चलो अब देखते हैं कि हमारे कार्वर्सल प्रोस को कौन सी लगती है 2021 की बेस्ट लुकिंग गाड़ी। भाई मेरी ऑब्वियस चॉइस XUV रहेगी, मतलब प्रोपोर्शंस है, डिटेल्स है, सब कुछ बढ़िया, और साथ में लोगो भी बदल दिया महिंद्रा ने तो। स्लाविया, क्योंकि एक तो वो वैसे सेडान है, सेडान तो, मतलब उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी थोड़ी अच्छी लगती है। टाटा सफारी मुझे बल्कि लुक्स ज्यादा पसंद है। तो भाई हमारे कोई कार्वर्सल प्रो कह रहे हैं कि XUV700 है, कोई कह रहे हैं कि टाटा सफारी है, और कोई कह रहे हैं कि स्कोडा स्लाविया है। और अब मैं आपको ऑफिशियली जो स्कोर आते हैं हमारे 150 कार्वर्सल प्रो से वो बताता हूँ, जिसमें स्कोडा कुशाक को 7 वोट्स मिले हैं 150 के राउंड में, जो स्कोडा स्लाविया है उसे 27 वोट्स मिले हैं, जो टाटा सफारी है उसे 67 वोट्स मिले हैं, और जो XUV700 है उसे 73 वोट्स मिले हैं। तो भाई जो XUV700 है और जो टाटा सफारी है भाई काफी पास पास थी, लेकिन बाद में जो XUV700 है उसने अपना जो गैप है पूरा कर लिया और बन गई है इंडिया की बेस्ट लुकिंग गाड़ी जो कि 2021 में लॉन्च हुई है। तो भाई बधाई हो महिंद्रा को, उनकी जो गाड़ी है इंडिया की बेस्ट लुकिंग गाड़ी बन गई है 2021 की। फिर आते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी में जिसका नाम है वैल्यू फॉर मनी कार्स ऑफ 2021, मतलब 2021 में जो सी गाड़ियां लॉन्च हुई है उनमें से सबसे वैल्यू फॉर मनी गाड़ी कौन सी है, जिसमें हमारी पहली नॉमिनेशन है ऑब्वियसली XUV700, दूसरी नॉमिनेशन है टाटा पंच, तीसरी नॉमिनेशन है MG एस्टर और चौथी नॉमिनेशन है टोयोटा फॉर्च्यूनर। और अब आप कहेंगे भाई कैसी बातें कर रहा है, टोयोटा फॉर्च्यूनर कैसे वैल्यू फॉर मनी हो सकती है। तो मैंने बस जानबूझ के करी है, मुझे देखना था कि जो हमारी ज्यूरी है, जो हमारे जजेस है, क्या उनका दिमाग चलता भी है या फिर ऐसे कुछ भी बटन दबा रहे हैं। तो चलो भाई देखते हैं कि जो हमारे कार्वर्सल प्रोज हैं उनका क्या ओपिनियन है इस वाली कैटेगरी में। मैंने तो पंच चूज करी है क्योंकि क्या है कार्स में मेरा ये है कि मैं ज्यादा पैसे मतलब डालना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि एस्टर और 700 के बीच टक्कर हो जाएगी, XUV700 ही रहेगी। और क्या रीजन है वो अब हर चीज में मतलब अपना टिक द बॉक्स करती है। तो भाई इस वाली कैटेगरी में जो सारे हमारे कार्वर्सल प्रो है वो तो कह रहे हैं कि जो XUV700 है इंडिया की सबसे वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है जो कि 2021 में लॉन्च हुई है। और देखते हैं कि जो हमारा पोल है वो भी क्या यही बताता है। तो जो हमारे पोल है हमारे सामने है, जिसमें जो टोयोटा फॉर्च्यूनर है उसे 6 वोट मिले हैं 150 के राउंड में, तो ये बहुत ही कम वैल्यू फॉर मनी है, एकदम एक्सेसिवली नॉन वैल्यू फॉर मनी है। 20 वोट मिले हैं टाटा पंच को, तो कई लोग समझते हैं कि जो टाटा पंच है वो भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। फिर 25 वोट्स मिले हैं MG एस्टर को, जो कि चलो फिर भी सही है, और 118 वोट्स मिले हैं XUV700 को। तो ऑफिशियली जो XUV700 है इंडिया की सबसे वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है जो कि 2021 में लॉन्च हुई है। तो भाई महिंद्रा को बधाई हो, उनकी जो गाड़ी है 2 अवार्ड जीत गई है और अभी 2 ही अवार्ड हुए हैं। ऐसा ना हो भाई सारे अवार्ड ही XUV700 ले जाए। भाई आपको शायद पता नहीं होगा कि हमने महिंद्रा से 10 करोड़ रुपए लिए थे ये सारे अवार्ड जिताने के लिए। और बाकी अगर आपको उस 10 करोड़ में से एक शेयर चाहिए तो कार्वर्सल को सब्सक्राइब कर लो एक रियल कार्वर्सल प्रो बनने के लिए। और अगर आपको भी हमारे साथ ये जो सारे अवार्ड फंक्शन है उनमें पार्टिसिपेट करना है और अपने व्यूज देने हैं तो डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम बातें करते हैं वहां पे और काफी मजे आते हैं। हमारी आज की तीसरी कैटेगरी है डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द ईयर, मतलब वो वाली गाड़ी जिससे जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी, बहुत ही हाई थी, लेकिन बाद में जो माल निकला कुछ ज्यादा फुसड़ था, कुछ ज्यादा चोमू था और पसंद नहीं आया। और इस वाली कैटेगरी की जो नॉमिनेशंस है वो है फोक्सवैगन टाइगुन, दूसरी है सिट्रॉन C5 एयरक्रॉस, तीसरी है किया कारेंस और चौथी है इसुजु D-Max V-Cross। और अब आप सोचेंगे कि मैंने फोक्सवैगन टाइगुन को क्यों रखा है इस वाली कैटेगरी में, तो इसलिए रखा है क्योंकि मुझे लगा कि जो फोक्सवैगन टाइगुन है और जो स्कोडा कुशाक है उनमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होंगे, लेकिन भाई कुछ भी नहीं है, प्राइस भी सेम ही ऑलमोस्ट, तो भाई इसलिए मुझे थोड़ा बेकार लगी, लेकिन जो गाड़ी है बहुत ही मस्त है। तो देखते हैं कि जो हमारे कार्वर्सल प्रो है उनका क्या कहना है इस वाली कैटेगरी में। D-Max बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस कर दिया उसे तो। टाइगुन और केरेंस के लुक्स मेरे को ज्यादा खास नहीं लगे। इस मामले में मेरा इसुजु D-Max है। मतलब कायदे से बहुत ही ज्यादा, एक तो ओवर प्राइस्ड है, मतलब BS6 के एक BS6 दे दिया बस बात खत्म। मैं इसमें C5 एयरक्रॉस चूज करना चाहूंगा। एक तो इन्होंने सर्वे नहीं किया कि यहाँ के लोग किस टाइप की कार लेते हैं, और फिर प्राइस भी खूब ज्यादा, और जो फीचर्स मेरे को लगता है कि वो ऑलमोस्ट
जीप कंपस वगैरह में मिल ही जाते हैं। तो भाई देख सकते हैं हम कि कुछ हमारे कार वसल प्रो कह रहे हैं कि जो सिट्रोन C5 एयरक्रॉस है काफी डिसअपॉइंटमेंट थी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इसुजू डीमैक्स है वो थी एक डिसअपॉइंटमेंट, और जो पोल्स है हमारे सामने आ चुकी है जिसमें जो टाइगुन है उसे 5 वोट मिले हैं 150 में से, तो इसलिए भाई लोगों को लगता नहीं है कि जो टाइगुन है एक डिसअपॉइंटमेंट है, लोग खुश है उस गाड़ी से। 20 वोट मिले हैं किया करेंस को तो लोग इस वाली गाड़ी से भी खुश है। 24 वोट मिले हैं इसुजू डीमैक्स को तो लोग इस वाली गाड़ी से भी खुश है, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे तो भाई बेकार लगती है। और 121 वोट मिले हैं सिट्रोन C5 एयरक्रॉस को, तो भाई मेजोरिटी लोगों को लगता है कि जो सिट्रोन C5 एयरक्रॉस है बहुत ही बड़ा एक निराशाजनक प्रोडक्ट था जो कि कंपनी ने लॉन्च करा है, और मेजरली जो इसका रीजन है वो है इसका प्राइस, क्योंकि कुछ ज्यादा महंगा है, 40 लाख के आसपास का है, अगर ये 30 लाख के आसपास की होती बहुत ही बढ़िया गाड़ी थी, इस कैटेगरी में ना आती। अगली हमारी कैटेगरी है हवाबाजी कार ऑफ द ईयर, मतलब वो वाली गाड़ी जिसके आसपास बहुत ही हाइप बन गई थी, और ये जो हाइप है अच्छी भी हो सकती है, ये जो हाइप है बुरी भी हो सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या देखते हैं। तो पहली हमारी नॉमिनेशन है इस वाली कैटेगरी में MG Aster, दूसरी है XUV700, तीसरी है टाटा पंच, और चौथी है Hyundai Alcazar। तो भाई देखते हैं कि जो हमारी कार वसल प्रो है उनका क्या कहना है इस वाली कैटेगरी में। XUV700, क्योंकि मैं भी उसके लिए ज्यादा हाइप था ना उस टाइम पे, इसलिए मैं अपने पास ले। यार इसमें भी क्या ही कहने, उन्होंने 6-6 महीने तक महिंद्रा वालों करी थी हाइप, ये वन प्लस बन चुका है महिंद्रा एक तरीके से। सही बात है, मार्केटिंग के मामले सही में बात है। तो भाई रिजल्ट आपके सामने है, जो हमारे कार वसल प्रो है उन्हें लगता है कि जो XUV700 है इंडिया की सबसे हवाबाजी कार थी 2021 की। तो चलो भाई इस वाली कैटेगरी के रिजल्ट देखते हैं। तो 8 वोट मिले हैं MG Aster को, जो कि काफी कम है, काफी बढ़िया है, तो लोगों को लगता है कि जो MG Aster है ओवर हाइप्ड है नहीं। 12 वोट मिले हैं टाटा पंच को, तो लोगों को लगता है कि जो टाटा पंच है वो भी ओवर हाइप्ड नहीं है। Hyundai Alcazar को 31 वोट्स मिले हैं, तो थोड़े लोगों को लगता है कि जो Hyundai Alcazar है थोड़ी ओवरहाइप गाड़ी है। और 121 वोट्स मिले हैं XUV700 को, तो भाई मैक्सिमम लोगों को लगता है कि जो XUV700 है 2021 की हवाबाजी कार ऑफ द ईयर है। तो भाई ये गाड़ी 4 में से 3 कैटेगरी जीत चुकी है, बहुत ही बधाई हो महिंद्रा वालों, काफी अच्छा काम करा तुमने। दोस्तों जो अगली कैटेगरी है मेरे दिल के बहुत ही पास है, जिसका नाम है ओवर प्राइस्ड कार ऑफ द ईयर, या फिर वो गाड़ी जो कि सबसे ओवर प्राइस थी और 2021 में लॉन्च हुई है, जिसमें जो पहली नॉमिनेशन है उसका नाम है फॉर्च्यूनर लेजेंडर, जो कि हमें पता ही था होना है। सेकंड है टाटा पंच, थर्ड है जीप कंपस, और फोर्थ है सिट्रॉयन C5 एयरक्रॉस। तो देखते हैं कि जो हमारे कार वसल प्रो है उनको क्या लगता है इस वाली कैटेगरी में। मुझे भी सिट्रॉयन लगती है, कि सिट्रॉयन मतलब क्या ही है, मतलब कुछ खास नहीं, सस्पेंशन के नाम पे इतने पैसे ले रहे हो, अब एयर सस्पेंशन भी नहीं दिया है। फॉर्च्यूनर लेजेंडर भाई 50 लाख पास करने से कौन सा तुमने ट्रॉफी जीतनी है। सिट्रोन C5 भाई, नहीं लगती वैल्यू फॉर मनी, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं। अभी बोला C5 का प्राइस ज्यादा लगता है, और लेजेंडर भी हल्की फुल्की। आधे कार वसल प्रो कह रहे हैं कि जो फॉर्च्यूनर है थोड़ी ओवर प्राइस है, और आधे कह रहे हैं कि जो सिट्रोन C5 है थोड़ी ओवर प्राइस है। तो देखते हैं हमारे रिजल्ट क्या कहते हैं। तो भाई अराउंड 3 वोट मिले जीप कंपस को, तो बिल्कुल भी लोगों को लगता नहीं है कि जो जीप कंपस है थोड़ी ओवर वैल्यूड है, थोड़ी ओवर प्राइस है, एकदम बढ़िया गाड़ी है, सही प्राइसिंग है। 12 वोट मिले टाटा पंच को, तो लोगों को लगता है कि जो टाटा पंच है उसकी सही वैल्यू टू मनी रेशियो है। 52 वोट मिले सिट्रोन C5 क्रॉस को, और 118 वोट्स मिले हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर को। तो ऑफिशियली जो 2021 की सबसे ओवरप्राइस गाड़ी है उसका नाम है टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर, जिसका जो टॉप मॉडल है उसका प्राइस 52 लाख रुपीस ऑन रोड डेली के हिसाब से है, जो कि ऑब्वियसली कुछ ज्यादा महंगा है। और भाई मेरी बात लिख लो, 3-4 साल रुक जाओ, इस गाड़ी का प्राइस 60-70 लाख का होने वाला है आसानी से। अगली हमारी कैटेगरी है ऑफ रोड किंग ऑफ 2021, मतलब 2021 की बेस्ट ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी जो कि लॉन्च हुई है 2021 में, जिसमें पहली नॉमिनेशन है लैंड रोवर डिफेंडर 90, सेकंड है फोर्स गुरखा, थर्ड है फॉर्च्यूनर 4x4, और फोर्थ है टाटा पंच। तो देखते हैं कि जो हमारे कार वसल प्रो है उनका क्या कहना है इस वाली कैटेगरी में। डिफेंडर चलो ठीक है, वो तो पता ही है। अरे इस मामले में डिफेंडर का क्या ही कहने, मतलब अच्छा वो डिफेंडर का क्या सीन है कि डिफेंडर में एक तो ऑटोमेटिक है सब कुछ, काफी कुछ सेंसर भी आपकी मदद कर देते हैं, तो एक न्यू भी है उसके लिए भी आसान है ऑफ रोडिंग करना इसमें। हाँ भाई डिफेंडर है भाई। तो इस वाली कैटेगरी में तो मुझे जो रिजल्ट है वो भी दिखाने की जरूरत है नहीं, सारे जो कार वसल प्रो है उन्होंने कहा है कि जो डिफेंडर है इंडिया की बेस्ट ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी थी जो कि 2021 में आई है। चलो फिर भी जो रिजल्ट आप देख लो, तो 5 वोट मिले टोयोटा फॉर्च्यूनर को, तो काफी कम लोगों को लगता है कि जो फॉर्च्यूनर है इंडिया की ऑफ रोड किंग थी
2021 की, 8 वोट मिले फोर्स गुरखा को। भाई क्या कर रहे हो भाई, 8 वोट मिले फोर्स गुरखा को, मुझे लगा मैक्सिमम इसके होंगे, पर चलो कोई बात नहीं। और 11 वोट मिले टाटा पंच को। तो भाई कितने लोगों को लगता है कि जो टाटा पंच है इंडिया की ऑफ रोड किंग थी 2021 की, और ये मैंने मजाक में डाल दी थी क्योंकि टाटा वालों ने अपनी जो ऑफिशियल इसकी वीडियो थी उसमें ऐसे ऑफ रोडिंग करके दिखा रहे थे इसके ट्रैक्शन मोड से, तो भाई मैंने मजाक में डाल दी और आपने वोट भी कर दिया उसके लिए। और 137 वोट्स मिले हैं लैंड रोवर डिफेंडर को। तो ऑफिशियली जो लैंड रोवर डिफेंडर 90 है इंडिया की बेस्ट ऑफ रोडिंग गाड़ी है जो कि 2021 में लॉन्च हुई है। बधाई हो लैंड रोवर, काफी अच्छा काम किया तुमने। दोस्तों जो अगली कैटेगरी है ये मेरे दिल के बहुत ही पास है, जो कि है लग्जरी एसयूवी ऑफ द ईयर 2021 इंटरनेशनल, मतलब 2021 में इंटरनेशनली बेस्ट लग्जरी एसयूवी कौन सी लॉन्च हुई थी, जिसमें जो नॉमिनेशन है आपके सामने है। पहली है रेंज रोवर नई वाली, सेकंड है नई वाली लेक्सस एलएक्स, थर्ड है नई वाली लैंड क्रूजर एलसी 300 और फोर्थ है हमर ईवी। तो देखते हैं कि जो हमारे कार्वसल प्रो है उनका क्या कहना है इस वाली कैटेगरी में। लग्जरी में भाई रेंज रोवर न्यू। और रीजन क्या है? क्योंकि भाई कार के क्योंकि ये देखो कार की लुक्स बहुत ज्यादा प्यारी है। लेक्सस वो वाली मुझे पता नहीं थोड़ी बढ़िया सी लगी, लुक्स कूल थी, बाकी ब्रांड बाहर का है, बाकी रेंज रोवर तो हर किसी की पसंद ही होती है। तो भाई यार इसमें भी वही करा कार्वसल प्रोज ने, जो लैंड रोवर है उसके लिए वोट कर दिया। भाई एक चीज है, लैंड रोवर की गाड़ियों की इतनी ज्यादा बढ़िया फैन फॉलोइंग है ना भाई, किसी भी कैटेगरी में आ जाए भाई जीत के जाती है। तो भाई अब मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। तो 9 वोट मिले लेक्सस एलएक्स को, जो कि चलो सही है। 9 वोट मिले लैंड क्रूजर एलसी 300 को। 20 वोट मिले हमर ईवी को। और 131 वोट्स मिले नई वाली रेंज रोवर को। तो ऑफिशियली इंडिया की जो बेस्ट लग्जरी एसयूवी है जो कि 2021 में आई है इंटरनेशनली, उसका नाम है नई वाली रेंज रोवर। 2021 में बहुत ही खराब चीजें हुई, कोरोना बढ़ा, कोरोना घटा, पर देखते हैं कि कार इंडस्ट्री में 2021 में सबसे बेकार चीज क्या हुई। तो अगली कैटेगरी है वर्स्ट थिंग्स दैट हैपेंड इन 2021। पहली इसकी नॉमिनेशन है टेस्ला डिड नॉट लॉन्च इन इंडिया। काफी लोग कह रहे थे, मैं भी कह रहा था कि 2021 में टेस्ला इंडिया में लॉन्च होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेकंड हमारा जो नॉमिनेशन है वो है फोर्ड्स एग्जिट फ्रॉम इंडिया, फोर्ड इंडिया से चली गई 2021 में, जिससे बहुत ही बुरा लगा हमें भी और जो फोर्ड के एम्प्लॉयज है उन्हें भी। थर्ड कैटेगरी है सुजुकी सिलेरियो का लॉन्च, क्योंकि भाई मारुति ने 2 साल ले लिए इसे डेवलप करने में, लेकिन एंड हमें पता ही है जो रायता क्या फैलाया मारुति ने। और फोर्थ है एक्सयूवी 700 का वेटिंग पीरियड, क्योंकि भाई किसी ने सोचा नहीं था कि इस गाड़ी का 1.5 साल का वेटिंग पीरियड जाएगा। तो देखते हैं कि जो हमारे कार्वसल प्रो है उनका क्या कहना है इस पे। भैया मैं तो फर्स्ट वाला लूंगा क्योंकि फोर्ड अपनी वजह से ही बाहर निकली है। भैया सिलेरियो। सिलेरियो, अरे वाह यार आप तो बढ़िया बंदे हो यार। और क्यों भाई सिलेरियो क्यों? अरे पूरा मूड खराब कर दिया डिजाइन करके। तो भाई मैक्सिमम जो हमारे कार्वसल प्रो है कह रहे हैं कि जो फोर्ड का इंडिया से एग्जिट हुआ 2021 का सबसे बेकार चीज थी जो कि कार इंडस्ट्री में हुई। तो देखते हैं कि जो पोल है वो क्या कहते हैं। तो 22 वोट मिले हैं एक्सयूवी 700 के वेटिंग पीरियड को, जो कि सबसे कम है। फिर 31 वोट्स मिले हैं सिलेरियो के लॉन्च को, तो काफी लोगों को लगता है कि जो सिलेरियो का लॉन्च है काफी बेकार चीज थी। 36 वोट मिले हैं टेस्ला डिड नॉट लॉन्च इन इंडिया को। और 134 वोट्स मिले हैं फोर्ड के इंडिया के एग्जिट को। तो भाई मैक्सिमम लोगों को लगता है कि जो फोर्ड का इंडिया से एग्जिट था सबसे बेकार चीज थी जो कि कार इंडस्ट्री में हुई है 2021 में, और मैं भी भाई यही मानता हूँ। फिर जो हमारी 9th कैटेगरी है और सेकंड लास्ट कैटेगरी है वो है कार्वसल कार स्केच ऑफ द ईयर। हमने पिछले साल बहुत ही सारे कार स्केच बनाए और अब देखते हैं कि कौन सा वाला कार स्केच आप सब कार्वसल प्रोज को बेस्ट लगा, जिसमें भाई हमारे पास ऑप्शन भी चाह रही थे, नॉमिनेशन भी चाह रही है। पहले नई वाली स्कॉर्पियो के जो हमने स्केच बनाए, सेकंड है नई वाली सिलेरियो के जो सिलेरियो प्रो वाले स्केच बनाए, थर्ड है 5-डोर थार के जो हमने स्केच बनाए थे अभी कुछ दिन पहले, और फोर्थ है जो नई वाली ब्रेजा के हमने स्केच बनाए थे। तो देखते हैं कि जो हमारे कार्वसल प्रोज हैं क्या सोचते हैं इस पे। सर विटारा ब्रेजा का। हाँ ना, उसमें विटारा ब्रेजा का लगा था। सही, विटारा ब्रेजा और स्कॉर्पियो का। हाँ हाँ भैया, आपने जो कैमोफ्लेज वर्जन में जो स्कॉर्पियो का स्केच निकाला था ना, बहुत अच्छा था। तो भाई इसके भी रिजल्ट आ गए हैं। तो 20 लोगों ने वोट करा है सिलेरियो के जो हमने स्केच बनाए थे, तो काफी लोगों को अच्छे नहीं लगे। 29 लोगों ने वोट करा है नई वाली ब्रेजा के स्केच के। 36 लोगों ने वोट करा है 5-डोर थार के स्केच के। और 161 लोगों ने वोट करा है 2022 वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो के स्केच के। तो भाई शुभाजीत भाई अगर आप सुन रहे हो, तो 2022 वाले जो हमने स्कॉर्पियो के स्केच बनाए थे कार्वसल प्रो को बेस्ट लगे वो, और भाई हमारे कार्वसल कार प्रो स्केच थे 2021 के। और अब घड़ी है सबसे बड़े अवार्ड की, जो की है कार्वसल कार ऑफ द ईयर। और आपको पता ही है
कौन सी गाड़ी होने वाली है, जो कि है मारुति एस्प्रेसो। अरे अरे सॉरी मैं थोड़ा इधर उधर भटक जाता हूँ। हमारी 2021 की कार ऑफ द ईयर है नई वाली XUV700, मतलब पहली वाली। भाई लिटरली इस वाली गाड़ी ने जो पूरी मार्केट है हिला दी। 70,000 बुकिंग हो गई है, 1.5 साल का बुकिंग पीरियड चल रहा है, लेकिन भाई मेरी वाली आने वाली है कुछ ही दिनों में। तो भाई बाकी सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, डिस्कॉर्ड पे हमें ज्वाइन कर लेना अगर आपको भी ऐसे पोल्स में पार्ट लेना है। और भाई सब्सक्राइब कर देना याद से, ताकि हमारी जो कम्युनिटी है बहुत ही बड़ी हो और हम कारवासल प्रोस पूरी दुनिया को जीत ले।